तो दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग जानेंगे कैसे आप लोग यहाँ पे फिनो पेमेंट्स बैंक का जो CSP अगर लिए हैं तो उसमें कैसे यहाँ पे मूव टू बैंक कर सकते हैं। कई लोग यहाँ पे मूव टू बैंक करना चाह रहे हैं लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा A to Z कैसे यहाँ पे मूव टू बैंक आपको करना है। ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्ट CMS वगैरह में भी यूज कर सकते हैं लेकिन आपको मूव टू बैंक ही करना है तो आप करेंगे, बिल्कुल होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा देखिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, मित्रा ऐप में, फिनो का मित्रा ऐप में यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर सर्च करने का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका ही मोबाइल नंबर यहाँ पे सर्च करना है, जो फिनो में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे पूरा इस प्रकार से आपको डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, एड अकाउंट है, कैश डिपॉजिट है, कैश विड्रॉल है, रिवीजन अपलोड है, ठीक है, रिमिटेंस है, इंश्योरेंस है, मिनी स्टेटमेंट, यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट। तो आपको यहाँ पे मूव टू बैंक या फिर AEPS सेटलमेंट या फिर पे आउट करने के लिए यहाँ पे रिमिटेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे रिमिटेंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी करके यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर FSC कोड आ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आता तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैनुअली यहाँ से ऐड कर सकते हैं, आराम से ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या कर रखा है, मैं पहले से ऐड कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने पहले से अकाउंट नंबर FSC कोड वगैरह पहले से ऐड कर रखा था, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट फिल करने का ऑप्शन है, 1 रुपये से लेकर यहाँ पे 2 लाख तक एक बार में यहाँ पे मूव टू बैंक किया जा सकता है। अभी मैं डेमो पर्पज के लिए आपको 100 रुपये करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। 100 रुपये फिल करने के बाद यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट चार्ज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट चार्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप IMPS करना चाहते हैं, NEFT करना चाहते हैं, वो सारे चीज़ें देख के यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी देख सकते हैं IMPS, चलिए IMPS चेक कर लेते हैं। 100 रुपये का IMPS यहाँ पे देख सकते हैं, IMPS पे 5 रुपये दिखा रहा है, NEFT पे 4 रुपये दिखा रहा है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट डिटेल आ जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP फिल करके यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऐप पे अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुका है और 100 रुपये यहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट में भी रिसीव हो चुका है। तो काफ़ी इजी प्रोसेस होता है यहाँ पे मूव टू बैंक करना फिनो पेमेंट्स बैंक से। अगर आप लोग फिनो पेमेंट्स बैंक का CSP लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों फिनो का ID, फिनो का माइक्रो ATM, हर एक चीज़ हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा।